हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो पे। अगर आपके रियलमी का फोन गलती से लॉक हो चुका है और पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हो, तो बिना पैसा को वेस्ट किए, बिना डाटा को डिलीट किए कैसे रियलमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा तो आप घर बैठे रियलमी का फोन अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के मदद के और बिना डाटा डिलीट किए। आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, कहीं सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए कैसे अनलॉक किया जाता है बिना देर के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे से न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स यूट्यूब पर मैं अक्सर आप सभी के लिए मैं हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने फोन में से सिम कार्ड निकाल लेना होगा, ठीक है। सिम कार्ड नहीं निकालना है तो आप एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को जरूर ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अनलॉकिंग ऑफलाइन मेथड ट्रिक रहेगा तभी आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। आपको नीचे में इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी एसएमएस का ऑप्शन, इस पे चले आना है, डायल पैड को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक FRP कोड दिया जाएगा जिससे आपका FRP बाईपास होगा, ठीक है, वो भी बिना पैसा को खर्च किए। करना है क्या, बस इस कोड को अपने फोन में डायल कर लेना है। डायल करने के बाद इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। कॉल का ऑप्शन है, कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ओके पे प्रेस कर देंगे, कंटिन्यू 3 बार ओके कर देना है, आपका कोड ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इस कोड को हमें इरेज कर लेना है। एंड देन फिर हमें यहाँ पे डाटा रिकवर कोड यूज करना है, जिससे हमारे फोन में जो भी डाटा मौजूद होगा सारा का सारा रिकवर हो जाए। करना है क्या, फिर यहाँ पे 2 बार कॉल करके ओके कर लेना है। जब ये 2 कोड हमारा एक्टिवेट हो जाए तो हम होम बटन क्लिक कर देंगे, लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाएंगे। फिर से इमरजेंसी SOS इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन, इसे ओपन करके डायल पैड को ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड अप्लाई करना है, *A99#। ये कोड को डायल करते ही आप आफ्टर सेल पेज पे आओगे या फिर इंजीनियर मोड के फाइल पे, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन मिलेगा, आपको 4 नंबर पे मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे चले जाना है। और यहाँ सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 2 सेंसर, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, बट हमें दोनों सेंसर को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट करते ही कोई एक सेंसर पास हो जाएगा आपका, बैक कर लेंगे, नीचे आएंगे, एम सेंसर ऑटो टेस्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो चुका होगा। बैक कर लेंगे, सबसे लास्ट वाली ऑप्शन पे जाएंगे, अदर्स पे रीड राइट इन रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन पास हो चुका है। बैक कर लेंगे, की स्टेटस को आप ओपन करके देख लेंगे, हमारे फोन में जो भी पासवर्ड पिन पैटर्न थे वो सारा का सारा रिमूव हो चुका है ना, यहाँ पे भी चेक हो चुका है। बैक कर लेंगे, अब रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रीसेट कोड अप्लाई कर देना है, *A99#। इस कोड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कॉल कट कॉपी पेस्ट एंड 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक करेंगे, हमारा एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। होम बटन क्लिक करेंगे, हम रियलमी का फोन घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हैं बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।